जब विजय जुलूस भाजपा का चलता है तो ये वही अनुभव मुंजा रहे हैं जो अपने घर की छत से अपने साथियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं पर पत्थर बरसाने का काम करती है। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ, जो हाथ पत्थर उठा सकते हैं उनको बंदूक उठाने में भी शर्म नहीं आएगी। इसीलिए जागते रहना, इसीलिए जो करना रहना। अभी एक दिन आदरणीय दया शंकर जी भाई साहब मुझे कह रहे थे कि आप अपने क्षेत्र में रातों रात जाते हो, जरा पल दल पल के साथ जाओ तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा भाई साहब, ये योगी जी के पहले वाला यूपी नहीं, ये ना तो ऐसे अराजकता वाला क्षेत्र नहीं, ये तो गौरी शंकर बिसेन का बाला घाट है। रात के 12 बजे भी किसी भी गांव और गली कस्बे में चले जाए, मजा नहीं है कोई बाल भी बाका कर सके। इसीलिए मेरे साथियों, हमें अपने बालाघाट को भय से बचाना है, हमें अपने बालाघाट को गुंडागर्दी से बचाना है, हमें अपने बालाघाट को अराजकता से बचाना है, तो हमें भाजपा का कमल खिलाना होगा, गौरी शंकर बिसेन की तीसरे नंबर की बटन दबाना होगा। और इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, चाहे जो लग जाए, अपने मतदान केंद्र में पूरी ताकत झोंक देना। जो हमारा नारा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, इस मंत्र को साक्षात करते हुए जब तक 17 तारीख के 6 बजे तक मतदान न करा पाए, आप शांति से मत बैठना। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं फिर कहती हूँ, ये लड़ाई जीत और हार की लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के अत्यंत ही लोकप्रिय, जो एक महीने से हमारे मध्य में आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए लगातार आपके साथ जा रहे हैं, आपके मध्य आ रहे हैं, सम्मानीय दयाशंकर जी, दयाशंकर जी के तालियां बजा के अभिनंदन करिए। जब हमने 1250 किया तो उनका बयान आ गया, बहनों ध्यान से सुनना, उनका बयान आ गया कि हम सरकार में आएंगे ना तो लाडली बहना योजना को बंद ही कर देंगे। लाडली बहना योजना को बंद करने का जो इरादा रखते हैं, ऐसी पार्टी का धिक्कार है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। बहनों, झूठ बोलने वाली असत्य बात करने वाली सरकार पर पुनः विचार मत करना, पुनः भरोसा मत करना। ये बताइए, आज के 5 साल पहले कांग्रेस के लोगों ने, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने जगह जगह कहा परिवर्तन करिए, परिवर्तन करिए, हम किसानों के 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे जाएंगे, पता नहीं कितनी सारी घोषणा कर रही। बोले आपकी जीत सुनिश्चित है। मैंने कहा जीत सुनिश्चित तो है, क्योंकि सब लोग कहते हैं चाहे जितना हल्ला कांग्रेस की नेता नबा मुजारे करे, अंत में जीत भारतीय जनता पार्टी की है। मित्रों, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं। 1977 से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि 7वां 8वां चुनाव वो सही नहीं है, मेरे 13 चुनाव अपने लड़ा है, 13 चुनाव। ये बात अलग है, वोटों की गिनती में 6 विधानसभा और 2 लोकसभा में हम आगे रहे, लेकिन वोट तो उनमें भी मिला ना, 77 में मिला, 80 में मिला, 91 के लोकसभा मिला, 96 के लोकसभा मिला,
इतनी मेहनत की हो भाइयों, मुझे बताइए, मैं आपको अधिकार देता हूं, मैंने जीवन में कभी आपका दिल दुखाया क्या? कभी मैंने आपको परेशान किया क्या? कभी मैंने आपकी थाने में या किसी कलेक्टर के यहाँ शिकायत किया क्या? कभी आप किसी समस्या को लेके आए तो मैंने रात में उठ के आपकी बात को सुना क्या? नहीं तो फिर प्रतिनिधि कैसा चाहिए? हमारी कांग्रेस के उम्मीदवार फिर हनुमान मुजारे जी से पूछो, जब कोरोना आया था तो कहां थी जी? लोगों को अनाज घर में पहुंचाना था तो कहां थे जी? 5 साल वोट मांगने आते हो, फिर से 5 साल अंदर छुप जाते हो, इस बात का आपको गौरी शंकर मिशन 365 दिन का आपका सेवक है, 365 दिन का आपका सेवक है। मैं 99 में जब लोकसभा का टिकट मुझे नहीं मिला और किसान मोर्चे का काम मिला तो हमने यहां से प्रहलाद पटेल जी को चुन करके दिया, सही है क्या गलत? प्रहलाद पटेल की जाति क्या है पता है आपको? तो हमने तो तब नहीं सोचा, हमारे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी जात आधारित पार्टी नहीं करती, पार्टी पे अपने काम पे विश्वास करती है, विकास पे विश्वास करती है, राष्ट्रवाद पे विश्वास करती है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम विचार रहे न रहे। युवराज जी की बहन स्मृति रानी जी आप स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जोरदार ताली बजा के आदरणीय स्मृति रानी जी का स्वागत करें, जोरदार ताली बजा के आदरणीय स्मृति रानी जी का स्वागत करें। क्रिया हो रहे हैं इसलिए आप सबको रोकना होगा। अभी हमारे रमेश भट्टे जी कह रहे थे कि लोग इस समाज के लोग उनके वोट के बारे में बात कर रहे थे। आज राम जन्मभूमि किसका सपना था? राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर बने हमारे माननीय कल्याण सिंह जी का ये सपना था। और कल्याण सिंह जी किस समुदाय के थे? लोधी समुदाय के थे। उनके सपनों को कोई साकार कर रहा है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज कल्याण सिंह जी स्वर्ग में होंगे तो सबसे ज्यादा किसी को आशीर्वाद दे रहे होंगे तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को दे रहे होंगे। तो उनके सपनों को साकार करने का काम ये 22 जनवरी को आज राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। माता की कमलनाथ जी तक आवाज गई होगी गौरी भैया, तुम्हें आपको हराने के लिए वो स्वयं पधारे हैं। अब अगर उन तक आवाज पहुंचानी है तो उनको बतलाना है कि जिसके नाम में गौरी और शंकर दोनों हो, और गौरी और शंकर दोनों के पास जब कमल का फूल हो तो 17 तारीख को पब्लिक उसी के सम्मान में पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, गौरी भैया को जिताएगी और भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार, क्योंकि गौरी शंकर बिसेन जी का चुनाव जीतना क्या आज आपकी उपस्थिति उसी का संकेत है? उसी का संकेत है, पक्का उसी का संकेत है। तो फिर भैया को आपकी तरफ से जीत की बधाई दे दूं, पक्का दे दूं, जो सड़क पे खड़े उनकी ओर से भी दे दूं, जो उस तरफ खड़े उनकी ओर से भी दे दूं, जो छज्जे पे दीदी खड़ी उनकी ओर से भी दे दूं, साथ में भाभी जो मुस्काई है उनकी तरफ से भी दे दूं, जहाँ छत पे खड़ा उनकी तरफ से भी दे दूं। कि गौरी भैया चिंता ना करो, ये जनता 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, गौरी शंकर को जिताएगी और भाजपा की सरकार। अब दया शंकर भैया सोच रहे हैं, जनता के मुख से ये वचन
मात्र एक कार्यक्रम की बदौलत नहीं है। जनता के मुख से ये संकल्प, ये आशीर्वाद मात्र एक चुनाव की मोहताज नहीं है। जनता का भाजपा के प्रति ये विश्वास वर्षों के संघर्षों का जनता को समाधान देने का परिणाम है। गौरी शंकर बिसेन ये चुनाव नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता लड़ रही है। 15 महीने उनके पास सत्ता थी, 15 महीनों में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में क्या क्या कुकर्म किए, आज कांग्रेस के नेतृत्व को उसका जवाब देना पड़ेगा। आज आपके समक्ष 2-3 सवाल करूंगी, जवाब दोगे भैया? लाडली बहना जवाब देगी, छज्जे पे खड़ी लक्ष्मी जवाब देगी। तो पूछना चाहती हूँ, जब कोरोना की विपदा आई, माथे पर मौत मंडराई, तब जनता गरीब के बीच में कांग्रेस का एक भी नेता नजर आया था? तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव गांव गया कि नहीं गया? दवा डॉक्टर की व्यवस्था कराई कि नहीं कराई? और मोदी के माध्यम से क्या हर गरीब के घर तक मुफ्त का अनाज पहुंचा कि नहीं पहुंचा? या कितने लोग बैठे हैं जो साक्षी हैं, 2.5 साल से नरेंद्र मोदी ने क्या जनता को मुफ्त का राशन दिलवाया? हाथ खड़े करके बताओ भाई, मिला कि नहीं मिला? मिला ना, यहाँ मिला, वहाँ मिला, मिला ना। अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मैं आने वाले 5 साल भी गरीब को मुफ्त का राशन दूंगा, कहा कि नहीं कहा? अब ये बतलाओ, गरीब को मुफ्त का राशन मिले तो इंसान को खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी दुखी है भैया? कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही सुना नरेंद्र मोदी 5 साल और मुफ्त का अनाज गरीब को देने वाले हैं, तो कांग्रेस की मैडम ने कहा जाओ मोदी पर धनाधन केस कर दो, कहा कि नहीं कहा? मालूम है, सोनिया गांधी ने, गांधी खानदान ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की इकाई से कहा, मोदी ने कहा है मुफ्त का राशन 5 साल और मिलेगा, मोदी के खिलाफ केस दर्ज कर दो। अरे मैडम, आपसे कहना चाहती हूँ, मोदी शेर की औलाद है, गीदड़ नहीं है जो डर जाएगा। मोदी गरीब को आने वाले 5 साल भी मुफ्त का राशन पहुंचाएगा, क्योंकि नागरिक 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा, कमल का बटन दबाएगा, गौरी शंकर जी को जिताएगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती हूँ। जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? जनता जनार्दन ने कहा वैक्सीन चाहिए, एक वैक्सीन की लागत 3-3 डोज लगाना है, इतना पैसा गरीब की जेब में नहीं था। मोदी ने कहा वैक्सीन सबको मुफ्त में दिलवाई जाएगी, कहा कि नहीं कहा? तब राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा वैक्सीन विदेश से लाओ, हिंदुस्तान में वैक्सीन ना बनाओ। तब मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान अब गोरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, हिंदुस्तानी देश में वैक्सीन बनाएगा, कहा कि नहीं कहा? कहा ना। राहुल गांधी और गांधी खानदान ने कहा मोदी की द्वारा दी गई वैक्सीन न लगाओ भैया, क्यों कहा? अब जब विपदा आती है तो खराब से खराब समय में दुश्मन भी कहता भैया दवा खा ले, वैक्सीन लगा ले, लेकिन गांधी खानदान चाहता था कि नागरिक वैक्सीन ना लगाए, मौत के घाट उतारा जाए, ताकि गांधी खानदान देश में अपनी राजनीति गरीब की मौत पर करते रहे, सही है? अरे इतना खराब व्यवहार तो दुश्मन ने ना किया जो गांधी खानदान ने कर दिया। इसलिए आज आपसे पूछने आई हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान में वैक्सीन बनाई कि नहीं बनाई? 160 देशों में पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? आपने वैक्सीन लगाई? किस किस ने लगाई भैया, हाथ उठाओ, मैंने, सबने लगाई? मोदी की वैक्सीन सबके पास आई। तो आज आपसे कहती हूँ 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, गौरी शंकर को जिताओ, कांग्रेस को इंजेक्शन हार का लगाओ।
पक्ष ले आए। 10 साल सोनिया मैडम की सरकार देश में चली कि नहीं चली? रिमोट कंट्रोल से मैडम ने सरकार चलाई कि नहीं चलाई? जब रिमोट कंट्रोल से गांधी खानदान ने सरकार चलाई तो क्या किसी किसान के खाते में 6,000 रुपया देश के प्रधान सेवक के माध्यम से आई? बताओ भैया, किसी की आई? अब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 6,000 और जोड़ दिया, मोदी जी ने 6,000 और जोड़ दिया, 12,000 रुपया किसान को खाते में मिलता है कि नहीं मिलता है? बताओ भैया, मिलता है कि नहीं मिलता है? ये जो कांग्रेस वाले हैं, इनका बस चले तो सत्ता इनके पास आए और ये किसान का वो पैसा बंद कर दे। सही कह रही हूँ दादा? 12,000 चाहिए। अरे किसान भाइयों, 12,000 चाहिए। तो फिर 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर आइए, कमल का बटन दबाइए, गौरी शंकर को जिताइए और भाजपा की सरकार प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरे मंत्री हैं दयाशंकर भैया, मुस्का इसलिए रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ने आई है गौरी शंकर जी के सामने। हम गौरी शंकर जी से उम्र में कम है, अनुभव में कम है, लेकिन हम साधारण परिवार के हैं। मैं और गौरी शंकर जी, मैं और दयाशंकर जी दोनों साधारण परिवार से हैं, लेकिन जब मैं अमेठी लड़ने गई तो कांग्रेस का सरदार अकेले लड़ ना पाया। हाँ, अकेले नहीं लड़ा भैया, साथ में बसपा लाया, सपा लाया, कांग्रेस के साथ मिलके तीन तीन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी की साधारण महिला कार्यकर्ता के सामने चुनाव लड़ा। सही बोल रही हूँ? अरे जिनका सरदार अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, वो आज गौरी शंकर भैया के सामने लड़ने आए हैं। लेकिन लड़ किस लिए रहे हैं? बंदर बाट हो सके, गरीब को लूट सके, इसलिए लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले चुनाव। आपने सुना होगा कांग्रेस के नेताओं के बीच में बातचीत मीडिया के माध्यम से बाहर आई है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि लाडली बहना का क्या करना है? तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, भैया सत्ता आ गई तो लाडली बहना की योजना बंद कर दें। आए कि नहीं कहा कांग्रेस? मतलब गरीब के घर में लाडली को पैसा जाए तो गांधी खानदान को ना सुहाए। अब आप बताओ, यहाँ बहने बैठी है मेरी, 1,250 रुपया खाते में आया है कि नहीं आया है? 3,000 तक भाजपा पहुँचाएगी, ये जानती है बहने की नहीं जानती? यहाँ जितने भाई बैठे हैं, भैया भाभी के खाते में 1,250 रुपया आया? मुस्काओ भैया, पैसे भाभी को गए हैं इस बार। 1,250 रुपया भाभी को आया? 3,000 तक पहुंचाएंगे, ये संकल्प भाजपा ने आपको बतलाया? इसलिए भाभी की शान में भैया 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, गौरी शंकर जी को जिताओ और लाडली बहना योजना के अंतर्गत 3,000 रुपया हमारी बहनें पाओ। आज ये निवेदन करने आपके मध्य में आई हूँ। भैया के पास गए, भैया ने 30 साल की वो मुराद पूरी कर दी। एक बसंटा जो नहीं बना पाता वो फिसड्डी आया है गौरी शंकर विजय के सामने लड़ने। हमने सुना है जिले में मेडिकल कॉलेज चाहिए था, लॉ कॉलेज चाहिए था, गांधी खानदान बना नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के इस मांग को अपनाया, बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं, हमारे परिवहन मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, गौरी शंकर भैया आप भी बैठे हैं, आज आपकी जीत की बधाई देते हुए एक चीज की डिमांड मैं करती हूँ जनता की ओर से करूँ। अब जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी धान 3100 रुपये, गेहूँ 2700 रुपये और तेंदुलपत्ता 4,000 रुपया में खरीदी करी है, पता है कि नहीं पता है? जनता को ये पता है कि पूरे प्रदेश में 40 लाख बेटियां जन्म पर ही लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लखपति बन चुकी हैं, लेकिन आज जनता जनार्दन की ओर से गौरी शंकर जी यहाँ खड़े हो जाओ, एक चीज मैं मांगती हूँ, आपको देनी पड़ेगी। जयशंकर भैया तुम भी आ जाओ, तुम तो परिवहन मंत्री हो, आ जाओ आ जाओ, दोनों से मांग लो। अब बताओ अमेठी, अमेठी काहे बोला था बोलो? क्योंकि अमेठी के 50 किलोमीटर दूर है अयोध्या जी।
50 किलोमीटर कौन दूर है हमें, ठीक है? अयोध्या में कौन है? अयोध्या में कौन है? वो बच्चे से पूछो भगवान राम कौन है, पता है क्या बच्चे को? पता है ना भगवान कौन है? बच्चे को वहां पता है ना, मालूम है भगवान कौन है? क्या नाम दे रहा हूं? उसका नाम क्या है? बेटे का नाम क्या है? क्या नाम बेटा तेरा? क्या नाम क्या? यहाँ सिद्धांत खड़े, सिद्धांत भगवान राम कौन है पता है? पक्का पता है ना? तूने दिवाली मनाई थी? मनाई थी ना? अब देखो भैया, गौरी शंकर जी बालाघाट के सिद्धांत को पता है भगवान राम कौन है, सोनिया मैडम को नहीं पता था। घूम रहे हैं भैया, नहीं बताएंगे तो अब तारीख बता रहे भैया। तारीख क्या है? 22 जनवरी। जोर से बोल दे भैया, तारीख क्या है? तारीख क्या है? तारीख क्या है? मंदिर किधर बन रहा? कहां बन रहा? किसका बन रहा? किसका बन रहा? अरे जो राम के काम का है वो 17 तारीख को जाए पोलिंग बूथ पर, कमल का बटन दबाए, गौरी शंकर को जिताए, दया शंकर के आशीर्वाद तक अयोध्या जी आए। आज आप अयोध्या आएंगे, थोड़ा अमेठी आएंगे, बहन को आशीर्वाद देकर जाएंगे। आज ये वचन लेती हूँ आपसे, भाई दूज के त्योहार पर मिलेगा ये वचन, मिलेगा ये वचन कि अयोध्या जाएंगे, संग अमेठी देख रहे हैं बालाघाट खबर।